गिरनार की तलेटी में स्थित मौर्य काल की शान जूनागढ़ में भव्य भारतीय इतिहास के कई पहलू सिमटे हुए हैं। सौराष्ट्र की राजधानी रहने वाला ये शहर, जहां सम्राट अशोक से लेकर भक्त कवि नरसिंह मेहता की गाथाएं प्रचलित है, अशोक शिलालेख, बौद्ध गुफाएं, जामे मस्जिद, बहाउद्दीन मकबरा, महाबत मकबरा, दामोदर कुंड, सक्करबाग प्राणी उद्यान, गीर वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ बहुत सारे स्थल यात्रियों को प्रकृति की गोद में विभिन्न सांस्कृतिक झलक दिखाते हैं। इस तरह ऊपरकोट किला, जिसकी विभिन्न शानदार स्थापत्य शैली दर्शाती है कि ये पहाड़ी किला कई आक्रमणों का साक्षी है। इस किले का क्षेत्रफल 72 एकड़ है और 2.5 किलोमीटर में फैली विशाल किलेबंदी दीवारों से संरक्षित है। जून 2020 में शुरू हुआ पहला चरण अब सफल समापन की प्रतीति कर रहा है। संरक्षण क्षेत्र आश्चर्य से भरा है, जिसका हमें अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला है, क्योंकि यहाँ कई स्मारक दबे हुए या घनी झाड़ियों से घिरे हुए थे, जिन्हें बाद में बहाली सूची में जोड़ा गया। यात्रियों के समय के अवकाश को ध्यान में रखकर इस प्रोजेक्ट में डेटा संग्रह के आधार पर अपार संशोधन, संरक्षण मूल्यों एवं नैतिकता का अध्ययन और वैचारिक धारणा से विशेष आयोजन किया गया है। ये आयोजन प्रवेश स्थल से शुरू होता है, जहां मेहराबदार प्रवेश द्वार से होकर किले के समीप टिकट काउंटर तक पहुंचा जा सकता है, जो कि पहले बंद कमरा था, अब पुनः उपयोग के लिए अनुकूल है। जहां स्मारकीय दांतेदार दरवाजा अपने आगंतुकों का स्वागत करता है, उस भव्य प्रवेश क्षेत्र से शुरू होकर सब जगह किले का हर स्मारक संरक्षण के तहत है। प्रवेश द्वार से सटे विशाल गोलाकार बुर्ज में पत्थरों की मजबूती को तोड़ता हुआ एक अलंकृत नक्काशीदार झरोखा है। रक्षात्मक उद्देश्य के साथ बनाई गई एक खाई लश्करी वाव को जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु सफाई प्रक्रिया जारी है। प्रवेश द्वार पर टाइल्स से ढके मंदिरों को पुनः प्राप्त किया गया है। जोड़ रास्ता की तरफ आगे बढ़ते ही एक मार्ग गढ़ की स्मारकों की तरफ और दूसरा मार्ग उद्यान की ओर जाता है। जोड़ रास्ता के पास में एक पुलिस स्टेशन है, जिसे निगरानी कक्ष के रूप में ढाला जाएगा और बेकार शौचालयों की मरम्मत कर पुनः उपयोग में लिए जाएंगे। राणक महल की ओर बढ़ते हुए जो श्रम शिविर है, उसका उपयोग ई रिक्शा पार्किंग के लिए किया जाएगा। जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता है, वो टॉप स्टैंड क्षेत्र एक उत्कृष्ट सेल्फी पॉइंट बन सकता है। विभिन्न राजवंशों की स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करता हुआ सबसे महत्वपूर्ण स्मारक रानी राणक देवी महल दुर्भाग्यवश खराब स्थिति में था। महल की समग्र पुनः स्थापन प्रक्रिया में सैंडस्टोन की संरचनात्मक बहाली और लाइमस्टोन की चुनाई, कलात्मक ढांचों की बहाली के साथ प्रेशर जेट से सफाई और रासायनिक सफाई का उपयोग किया जा रहा है। सीढ़ियों को अभिलेखीय छवियों का संदर्भ जोड़कर ठीक किया गया है और घनी झाड़ियों को उखाड़ने के बाद बेसमेंट फर्श को संरचनात्मक रूप से मजबूत बनाया गया है। झरोखा संरचनात्मक रूप से मजबूत करने के बाद पूरी तरह से पुनः स्थापित किया जा रहा है। फर्श को आंतरिक रूप से ठीक किया गया है और इस जगह को प्रकाशित किया जाएगा। राणक महल के पास एक लाइट एंड साउंड शो प्रस्तावित है, जिसमें यात्रियों को जूनागढ़ के इतिहास का निदर्शन करवाया जाएगा। अनाज भंडार, जहां कक्षों के भीतर घनी झाड़ियां थी, जिसको साफ किया गया और टफन कांच से ढकने का कार्य पूर्ण हो गया है। 11वीं सदी का एक सीढ़ीदार नवघन कुआ, जो एक आदर्श कुएं के रूप में माना जाता है और किले के परिसर में यह सबसे पहला कुआ है। इस कुएं से गाद निकालकर कुएं की दीवारों और खराब सीढ़ियों को साफ और बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा पत्थरों से अलंकृत नक्काशीदार सीढ़ी वाली अड़ी कड़ी वाव को गाद निकालकर प्रदूषित मुक्त किया गया है। आसपास में सौंदर्यकरण कर
लोक कलाकारों के लिए मंच और सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये एक दुर्लभ उदाहरण है कि अड़ी कड़ी वाव के बगल में ही कड़ी वाव स्थित है, जिसके जीर्णोद्धार के साथ गाद निकालने की प्रक्रिया जारी है। आसपास के क्षेत्र से गिरनार द्वार के साथ पवित्र गिरनार पर्वत का दृश्य दिखाई देता है। हाल ही में कड़ी वाव के आसपास के क्षेत्र में एक छोटा कुआं मिला है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। संक्षेप में, कुछ कुओं की गाद निकाल दी गई है और कुछ प्रक्रियाधीन है। निविदा प्रस्ताव से परे जाकर कला पारखी के रूप में हमारी पुरातत्व टीम ने कुछ कलाकृतियों को बरामद किया है और उनका दस्तावेजीकरण किया है। राणक महल से दूसरा मार्ग दिल्ली गेट से नीचे की ओर एक संरचना को जोड़ता है, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था और बाद में खोजा गया, जहां कुछ शिल्प नीवे पाई गई थी, जिसे बहाल किया गया है। दुर्ग के अधिकांश हिस्से को बनाती हुई विशाल किलेबंदी दीवार पर जीर्ण शीर्ण कांगरा एवं फर्श और घनी कटीली झाड़ियां थी, जिससे साफ करना कुल मिलाकर एक विशाल कार्य था। धीरे धीरे पुनः स्थापन प्रक्रिया के दौरान पूरे किलेबंदी की प्राचीर को बहाल किया गया और बाद में हार्डस्केप जैसे सूचना बोर्ड, दिशा निर्देश बोर्ड, नेम प्लेट, कूड़ेदान और सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई गई। अफसोस की बात है कि कई तोपें थी जो बर्बाद हालत में थी, जिसके लिए स्टैंड्स को डिजाइन कर बहाल कर रखा गया था। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण साइकिल पथ है, जो किलेबंदी के साथ साथ और घनी झाड़ियों के बीच से गुजरता है। साइट के प्राकृतिक ढलानों के साथ पथ का संरेखण किया गया है, जिससे राजूला सैंडस्टोन से पक्का किया गया है, ताकि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की यातायात और मौसम का सामना हो पाए। साइकिल पथ के पास 200 कलानुक्रमिक बोर्ड्स की एक श्रृंखला लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्य होंगे, जिनकी शोध पुरातत्वविदों द्वारा की गई है। इसके अलावा पूरे किले में कुछ खाइयां देखी जा सकती हैं, जो शायद सैनिकों के छिपने के स्थान के रूप में थी। प्रारंभिक दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के दौरान इनमें से अधिकांश खाइयां मुश्किल से दिखाई दे रही थी या छिपी हुई थी। यह किला अंतिम शासक बाबी राजवंश के पास था। उस दौरान रसूल खान जी ने वाटर वर्क्स का निर्माण किया था, जिसमें एक फिल्ट्रेशन या प्यूरिफायर रूम है, जिसके स्लेब का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके साथ एक इनलेट और आउटलेट टावर है, जो अभी भी उपयोग में है। आउटलेट टावर की बाहरी दीवार झाड़ियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन टावर से नवाबी तालाब का शानदार दृश्य प्रस्तुत होता है। जैसे ही हम गढ़ की ओर आगे बढ़ते हैं, हमें विभिन्न स्थानों पर लाइम चक्की की झलक देखने मिलती है। काफी नई संरचनाओं में ऑडियो विजुअल रूम के रूप में उपयोग किया जाने वाला गन पाउडर रूम, स्मारिका दुकान के रूप में इसका बेसमेंट और सामने छोटा स्मारक कैंटीन के रूप में पुनः उपयोग के लिए अनुकूल है। उद्यान क्षेत्र, जो परिदृश्य बहाली के अधीन है, वहां स्थानीय लोगों को आनंद मिलेगा। मुलाकातियों की जरूरतों को समझते हुए कई स्थानों पर गजेबो लगाए गए हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। साइकिल पथ और प्राचीर का मंत्र मुग्ध कर देने वाला खेल हर आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करेगा। कुल मिलाकर अधिकांश संरचनाओं के लिए कई सामान्य बहाली तकनीकों को अपनाया गया है, जो लगभग समान है। चूंकि किले को बहुत लंबे समय तक अनुरक्षित रखा गया था, इसलिए सफाई जो प्रारंभिक चरण है, बहुत कठिन काम था। झाड़ियों के कारण गढ़ की दुर्दशा दयनीय थी और इसकी सफाई और कांट छांट करना एक श्रम साध्य काम था। लाइमस्टोन के ऊपर काली पपड़ी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, इसलिए नोजल प्रेशर को 120 से 150 पीएसआई पर एडजस्ट करके वाटर जेट मिस्ट से काली पपड़ी की सफाई की गई है। अतिरिक्त सफाई
रसायनों का उपयोग करके की गई है। रखरखाव के दौरान अधिकांश मरलोन के ऊपर सीमेंट लगा दिया गया था और इससे हटाना एक कठिन काम था। आबोहवा और उपेक्षा के परिणाम स्वरूप लाइमस्टोन के ब्लॉक्स खिसाव के कारण जर्जर हो गए थे, जिससे समान सामग्री का उपयोग कर डचमैन मरम्मत तकनीकों के साथ मरम्मत की जा रही है। राणक महल, झरोखा और किलेबंदी में हेलीबार्स और एसएस पिन स्टिचेस का उपयोग कर संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण किया गया है। सीमेंट पॉइंटिंग से रेकिंग का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। पुरानी घिसे पिटी और हस्तक्षेप से कठिनाई रूप सामग्री सावधानी से दूर की गई है। बाद में प्राकृतिक योजक जैसे गुड़ के पानी और नदी की रेत या पत्थर की धूली के साथ मिश्रित चूने का उपयोग करके रिपॉइंटिंग की गई है। एक स्टोन यार्ड स्थापित किया गया है, जहां अत्यधिक कुशल शिल्पकार द्वारा पत्थर की नक्काशी का काम किया जाता है। पेट्रोग्राफिक परीक्षण करने के बाद पोरबंदर लाइमस्टोन, राजुला सैंडस्टोन और धांगदरा सैंडस्टोन जैसे स्थानीय पत्थरों का उपयोग प्रामाणिकता को प्रस्थापित रखने और मौलिकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। चमकदार फिनिश के लिए ओथोडोंगो तकनीक को अपनाया गया, जो एक स्थानीय पारंपरिक चूने का अनुप्रयोग तकनीक है, जिसमें चूना और प्राकृतिक योजक शामिल कर आरिश प्लास्टर के साथ मूल परत लगाई गई है। दुर्ग के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए 350 से 400 कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा विस्तृत पैमाने पर टीम वर्क के तहत दिन रात परिश्रम किया है। विशेषज्ञों की एक टीम समय समय पर साइट का दौरा करती रही है, ताकि अपने विशेषज्ञ राय के साथ हमारा मार्गदर्शन कर सके। दूसरे चरण की शुरुआत हमें इस परियोजना को एक बड़ी सफलता बनाने के लिए प्रेरित करती है। सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड को खुशी है कि हमें गुजरात सरकार, टूरिज्म कॉरपोरेशन और गुजरात राज्य पुरातत्व के सौजन्य से काम करने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने का मौका प्रदान किया गया है। ऊपरकोट हमारी प्राचीन सभ्यता के समय में प्रचलित नगर रचना और व्यवस्थापन का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ कई सदियों और पीढ़ियों की हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखकर आगंतुकों को भव्यता और गौरव का अनुभव होगा। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और गौथिक स्थापत्य कला का अनन्य समन्वय होने के कारण ऊपरकोट गुजरात एवं भारत के साथ पूरे विश्व के यात्रियों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। धन्यवाद।